हेलो दोस्तों, तो चलिए इस क्लास में बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखाया गया है सोनिया गांधी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं आपकी। तो आर्टिकल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका मनरेगा से संबंधित है और आपको इसमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए उसे ही आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन द्वारा लिखा जाता है कोई आर्टिकल, फिर चाहे आपका बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, तो वो अपनी ही पार्टी का महत्व बताता है, दूसरी पार्टी को नीचा दिखा देता है। तो आप इसमें वही पॉइंट लीजिए जो आपको जरूरी लगे, ठीक है? क्योंकि इसलिए चर्चा में बना हुआ है अभी, क्योंकि जितने भी लोग मुंबई दिल्ली से वापसी लौट रहे हैं अन्य शहरों से, फिर चाहे आपका गुजरात हो गया, तो अब इनके रोजगार का मुद्दा उठा हुआ है क्योंकि घर आ चुके हैं तो कहाँ से रोजगार, कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो उसी को लेकर खबर में आया हुआ है ये आर्टिकल। तो ये आपके सोनिया गांधी ने लिखा है, ठीक है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 में, मनरेगा एक क्रांतिकारी और तर्क संगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का एक सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया है। यह तर्क संगत है क्योंकि यह पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये आपके देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी इस ये अधिकतर बार लागू होती दिखती है, क्योंकि आप अगर बेरोजगार हैं तो आपका 50 से आपका 100 दिन का रोजगार, कहीं कहीं ये 200 दिन तक का रोजगार दिया जाता है इसके तहत। और आपने देखा होगा कि मनरेगा कार्ड बनाए जाते हैं आपके, उसमें आप पंचायतों का घपला भी देखते हैं कि फर्जी में मनरेगा कार्ड बना दिए जाते हैं उनके द्वारा, तो ये उसी से संबंधित है आपकी, वही है, ठीक है? मौजूदा केंद्र सरकार के 6 साल व उससे पहले भी लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनरेगा के लाभ व सार्थकता को स्वीकारना पड़ा है। आपने देखा होगा ये वही की बात की जा रही है, जब एक बार संसद भवन में मोदी ने इसकी बुराई की थी, ठीक है? उसे भी देखते हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ मनरेगा सबसे गरीब व कमजोर नागरिकों को भूख तथा गरीबी से बचाने के लिए अत्यंत कारगर है, यानी कि जरूरी है। खासतौर से कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह और ज्यादा प्रासंगिक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित मनरेगा कानून एक लंबे जन आंदोलन तथा सिविल सोसाइटी द्वारा उठाई जा रही मांगों का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस आवाज को सुना और अमलीजामा पहना है। यह हमारे 2004 के चुनावी घोषणा पत्र का संकल्प बना और हमने हम में से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक दबाव डालने वाले हर व्यक्ति को गर्व है कि यूपीए सरकार ने इसे लागू कर दिखाया था। क्योंकि जब ये योजना आपकी लागू हुई 2005 में, तो इस समय यूपीए की सरकार थी, ठीक है? यानी कि कांग्रेस की। क्या होता है, याद रखिए, यूपीए जिस तरह आप लोग एनडीए कहते हैं, यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को, इसी तरह कांग्रेस और सहयोगी उसके दलों को यूपीए कहते हैं मिलाकर, ठीक है? इसका मतलब, इसका एक सरल सिद्धांत है, भारत के गांव में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने की का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिन तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। यानी कि आप बेरोजगार हैं तो आप पंचायत में जाइए सरपंच के पास और 100 दिन का रोजगार पा सकते हैं आप लोग। इसमें न्यूनतम मजदूरी के साथ इसे दिया जाएगा। इसकी उपयोगिता बहुत जल्दी साबित हुई। यह जमीनी स्तर पर मांग द्वारा संचालित और काम का अधिकार देने वाले कार्यक्रम है जो अभूतपूर्व है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 साल में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के दुष्कुचक्र से बाहर निकाला है।
महात्मा गांधी ने कहा था, जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है, तो उस आंदोलन को स्वीकृति व सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी इस बात को साबित करने का मनरेगा का से ज्यादा अच्छा उदाहरण कोई नहीं देखने को मिल सकता है। यानी कि महात्मा गांधी की बात का ऐसे उदाहरण बता रही है मनरेगा को। ठीक, पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये समझ में आया कि मनरेगा को बंद किया जाना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उन्होंने इस योजना को कांग्रेस पार्टी की विफलता का एक जीवित स्मारक तक कह डाला था। पिछले सालों में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने, खोखला करने व कमजोर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मनरेगा के सजग पहरियों, अदालत और संसद में विपक्षी दलों की भारी दबाव के कारण सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा को स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने सुधार कहा है। लेकिन वास्तव में यह कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का नाम बदलने का एक प्रयास मात्र था। यह और बात है कि मनरेगा श्रमिकों को भुगतान किए जाने में अत्यंत देरी की गई, उन्हें काम तक दिए जाने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे वो आपको मना करके भगा देंगे, आप कुछ बोल भी नहीं पाते ना उस जगह। तो कितने लोगों को, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत से लोग इससे लाभान्वित भी होते होंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है ज्यादा लोगों को। यानी कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने मोदी सरकार की वास्तविकता का एहसास करवाया। पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि पिछली यूपीए सरकार के प्रमुख ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। काम स्वयं बोलता है, चाहे देर से ही सही। वित्त मंत्री द्वारा हाल में ही मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कुल आवंटन किए जाने की घोषणा ने इस बात को साबित कर दिया है। अकेले मई 2020 में ही 2.19 यानी कि 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की, जो 8 साल में सबसे ज्यादा है। आपकी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के यथावत स्वीकार करने के लिए मजबूर मौजूदा राजग यानी कि एनडीए की बात कर रहे हैं, सरकार अभी भी खामियां खोजने के लिए कुतर्कों का जाल बुनने में लगी हुई है। लेकिन पूरा देश जानता है कि दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु तो पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप भी बदल दिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद की तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया है। इससे सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत भी की है। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत भी दी है, उन्हें सम्मान और स्वाभिमान जीवन प्रदान किया है। आज के संकट में भारत को सशक्त बनाने के लिए इन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे आज निराश मजदूर व कामगार विभिन्न शहरों से समूहों में अपने गांव की ओर लौट रहा है। उनके पास ना तो रोजगार है और ना ही एक सुरक्षित भविष्य। जब अभूतपूर्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो मनरेगा की जरूरत व महत्व पहले से कहीं और ज्यादा है। इन मेहनतकशों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए राहत कार्य उन पर केंद्रित होने लगे चाहिए। सबसे पहला काम, उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए। राजीव गांधी ने अपने विशेष प्रयासों द्वारा जिस पंचायती राज तंत्र को सशक्त बनाने का संघर्ष किया, आज मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका उन्हीं पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए, क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को पैसा सीधा
लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रही हैं, तथा सब बेकार की बकाया राशि, बेरोजगारी भत्ता व श्रमिकों को भुगतान लचीले तरीके से बगैर देरी करना चाहिए। मनरेगा की उपयोगिता बार बार साबित हुई है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इसमें निरंतर सुधार व बढ़ोतरी हुई। विस्तृत सोशल ऑडिट, पारदर्शिता, पत्रकारों व बौद्धिकों द्वारा जांच परख व लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से सरकार व नागरिकों ने मिलकर इसे मौजूदा आकार दिया है। राज्य सरकारों ने सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। अनिच्छा से ही सही, मोदी सरकार इस कार्यक्रम का महत्व समझ चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त देश पर छाए संकट का सामना करने का है, ना कि राजनीति करने का। आपके पास एक शक्तिशाली तंत्र है, कृपया इसका उपयोग कर आपदा के इस वक्त भारत के नागरिकों की मदद कीजिए। आपको याद रखना है हमेशा कि आपको केवल पॉजिटिव ही पॉइंट लेना है, नेगेटिव पॉइंट अपने दिमाग में भी नहीं रखना है, ठीक है? तो ये थी आपकी मनरेगा की कहानी।